हरीश खुराना, मैं ये पूछना चाहती हूं आपसे कि दिल्ली में आप भ्रष्टाचार पर जंग करेंगे, दिल्ली में आप बताएंगे कि सरकार भ्रष्टाचारी है, अरविंद केजरीवाल रिश्वत लेते हैं, घूस लेते हैं, और आप नहीं बल्कि हाईकोर्ट भी कहता है, हाईकोर्ट की टिप्पणी है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश भूल जाते हैं आप, जहां एक मुख्यमंत्री सारे रिश्तेदारों को सैकड़ों सार्वजनिक कामों के ठेके बांट देता है, टेंडर जारी नहीं होता, और सीएजी जांच का आदेश देती है कि निकलवाइए सब भ्रष्टाचार के आंकड़े, वहां भ्रष्टाचार नहीं है, दिल्ली में भ्रष्टाचार है। देखिए, जब भ्रष्टाचार जहां भी हो गरिमा जी, वो एक्सेप्ट नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर, और ये हमारा शुरू से रहा है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ। आप तमाम आरोप लगा लीजिए कि बीजेपी गलत है, बीजेपी बेकार है, कि मैंने, लेकिन भ्रष्टाचार की बात, कि चाहे आपने अखिलेश का नाम लिया हो, चाहे आपने शरद पवार जी का नाम लिया हो, चाहे वो राहुल गांधी जी का नाम लिया हो, ये अकेले भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा। मेरे साथ मेरे दो मित्र बैठे हैं, जसमीन शाह जी, उनकी पार्टी याद है 370 पेज का डॉक्यूमेंट लाई थी शीला दीक्षित जी के खिलाफ, क्या क्या कहा करती थी अरविंद केजरीवाल जी। हम तो नहीं कह रहे थे, आरोप तो उन्होंने भी लगाया था कि राहुल गांधी सबसे भ्रष्ट नेता है, सोनिया गांधी सबसे भ्रष्ट नेता है, शरद पवार के बारे में क्या कहा था कि हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट नेता है तो कोई शरद पवार है, अखिलेश के बारे में, अखिलेश यादव के बारे में, मुलायम सिंह के बारे में क्या क्या कहा था। आज जब नहीं, एक सेकेंड हरीश खुराना, दिल्ली में भ्रष्टाचार है ना, 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, 45 करोड़ गुजरात के, गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हुए, तो जो पेमा खांडू पिछले एक दशक से मुख्यमंत्री है वो सार्वजनिक कामों के ठेके अपने परिवार को बांट रहे हैं, ये सरकार को नहीं पता चला, ये दिल्ली को नहीं पता चला। दो बातें हैं जी, उसके लिए सीजीआई को ऑर्डर देना पड़ा कि सीएजी जांच करे, सीजी जांच करे, दो फर्क है यहाँ पे। एक आपने कहा सीएजी जांच करे, उसका रिजल्ट तो आने दीजिए, लेकिन यहाँ तो कल हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से सख्त टिप्पणी करी, 14 महीने से इसी केस के अंदर इनके एक मंत्री जेल में है, एक इनके खास नेता नायर वो जेल में हो, और आप कह रहे हो हम झूठी लड़ाई लड़ रहे हैं या हमें नजर नहीं आ रहा। अरे बाबा, स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी केस नहीं कर रही है, कानून अपना काम करता है, कानून के तहत कार्रवाई होती है, ईडी ने अगर गिरफ्तार किया तो अल्टीमेटली केस के मेरिट को देखकर कोर्ट ही फैसला करता है ना। आज अगर 14 महीने से जेल में अगर है मनीष सिसोदिया, हाँ, तो पॉलिटिकल रीजन से नहीं है, नहीं, कानून के आधार पर हरीश खुराना काम हो रहा होता अगर, तो ये महाराष्ट्र एसीबी क्यों नहीं दे रही, महाराष्ट्र एसीबी को क्यों नहीं दे रही राज्य सरकार इजाजत आपकी इन 547 के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज करने को लेकर? लगता है ऐसी बात जो आप कर रही हैं, मुझे जहां तक मेरा ख्याल है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। अगर आप कह रही हैं कि जांच का विषय हो सकता है, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं करता, लेकिन इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी प्रोत्साहन दे रही है ऐसा नहीं है। नहीं, प्रोत्साहन पर कैसे लेते हैं हरीश खुराना, मैं बताती हूँ, ये केसेस जो हैं गरिमा जी, मैं ये बड़ी ऑथेंटिसिटी से बता दूं आपको, एक सेकंड डॉक्टर हरीश खुराना, एक सेकंड, ये महाराष्ट्र एसीबी से जो आंकड़े मिले ये उनका एनालिसिस है 2024 मार्च तक 547 मामलों की जांच के लिए एसीबी ने अर्जी लगाई, सिर्फ 51 में उसको मंजूरी मिली, और क्योंकि कानून बदला आपने, भ्रष्टाचार निवारण कानून अधिनियम बदला, उसके मुताबिक राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी कर दी गई और राज्य सरकार कुंडली मारकर बैठी है सारे भ्रष्ट अधिकारियों पर। आप ये आंकड़ा अगर लेके बैठे हैं, जरा ये भी बता दीजिए केसेस कब तक के हैं, ये भी जरा बता दीजिए, क्योंकि हमारी सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार है, वो भी कुछ ज्यादा महीने नहीं हुए हैं। कितने महीने हुए बताइए, जब मैं उस पर आगे कर ही नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरिट बाई मेरिट अगर देखा जाए तो मेरिट, अगर हम तो कार्रवाई होनी है, निश्चित तौर पे होनी है। अब सरकार वहां मेरिट देख रही है कि क्या है केस के अंदर, क्या है क्या नहीं है, कानून पहलू देख रही है, वो करेगी, उस पर कार्रवाई करेगी कानून के मुताबिक, तो 3 महीने में जवाब देना है आपको हरीश खुराना, कानून के मुताबिक 3 महीने में जवाब देना था आपको करीमा जी। अब सुन लीजिए ना पूरी बात को, आज सवाल ये है, ये नहीं हो रहा कि आपकी सफेद कैसी है और मेरी सफेद कैसी है, सवाल हो रहा है नैतिकता। आज मैं दोबारा लेके आता हूँ दिल्ली के इश्यू के ऊपर, नहीं दिल्ली पर मैं बाद में आऊंगी, दिल्ली के लिए जसमीन शाह बैठे हैं मेरे साथ, आप मुझे महाराष्ट्र का बताइए, महाराष्ट्र में वो करप्ट अधिकारी जिनके खिलाफ एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो चाहता है जांच करना, व्हाई स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट परमिटिंग देम,
भाई व्हाट आई एम, आप मैंने उस बात का जवाब दिया गरिमा जी कि उसके मैरिट को एग्जामिन कर रहे होंगे, एग्जामिन कर रहे होंगे क्या है महाराष्ट्र का मैटर, आप महाराष्ट्र के मिनिस्टर से पूछ लीजिए। नहीं तो आप वही तो कह रहे हो, आपसे भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं, आप ही का कानून कहता है, आप ही का कानून भ्रष्टाचार निवारण कानून आप ही का जो आपने बदला 17A उसमें लगाई, उसके मुताबिक 3 महीने में राज्य सरकार को जवाब देना है, जवाब नहीं दिया एसीबी के अधिकारियों को। बोलिया, अब मैं बोलूं? हाँ। देखिए मैं वही कह रहा हूं कि कानून अपना काम करता है, अगर आपको प्रॉब्लम है, किसी को भी प्रॉब्लम है कि राज्य सरकार काम नहीं कर रही, तो न्यायालय जाइए, क्यों नहीं जाइए। आज आज 2014 से पहले जो केसेस आए थे बाहर, जितने भी केसेस बाहर आए थे, तो सरकार ने रिकमेंड किए थे क्या? अल्टीमेटली विपक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के जो हम लोग कोर्ट के अंदर गए, माननीय न्यायालय के अंदर गए, तो इंक्वायरीज हुई और कई लोग जेल में गए। तो जिस कोल घोटाले में आपने हुड़दंग मचाया दिल्ली में, उस कोल घोटाले में मनमोहन सरकार को, मनमोहन सिंह को क्लीन चिट दे दी अदालत ने। जिसको आपने 1,86,000 करोड़ का घोटाला बताया कोल स्कैम, मनमोहन सिंह उसमें क्लीन चिट पा चुके हैं सरकार के अदालत। कई लोग उसके जेल में भी आज भी जेल में, ऐसा नहीं है मनमोहन सिंह के अकेले की बात थी, मंत्रियों की भी आरोप था उनके ऊपर। ये मत करिए कि आप एक तो फिर नवीन जिंदल कैसे आप ले आते हैं क्षेत्र से, उनको कैंडिडेट बना देते हैं, कैसे ले आए आप नवीन जिंदल को? एक साइड की स्टोरी पर बात करिए मकरीमा जी, क्या एक साइड की स्टोरी की बात मत करिए। आप सिर्फ सारी खोट आपको भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रहे हैं, मैं सवाल इसी बीच में करप्शन की बात हो रही है कि करप्शन वाइडर एंगल आप कहते हो भारतीय जनता पार्टी कर, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए थे क्या? आज ये सब इकट्ठे अगर हो गए हैं, भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं भाई, नवीन जिंदल पर लगाया था ना आपने हरीश खुराना, भाई आरोप सिद्ध हो गया उनके ऊपर क्या? हाँ, बताइए। हाँ, हो गया। हाँ, हो गया। लेकिन नैतिकता की बात कौन करता था? हाँ, ये कौन कहता था कि आरोप लगे इस्तीफा पहले होना चाहिए, उसके बाद जांच होनी चाहिए। हरीश खुराना, नैतिकता की बात तो पार्टी में डिफरेंस तो आप भी हैं। नवीन जिंदल को आप कुरुक्षेत्र से टिकट दे देंगे, कोल घोटाले में उन्हें आप सबसे बड़ा चोर कहते थे, कोयला चोर। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे। मैं तो आपको बोला कि आप जो कह रहे हैं कि कोर्ट ने उनको कर दिया क्या, कोर्ट ने किया? हाँ हाँ, जवाब दे दीजिए मेरे को, कोर्ट ने उनको कर दिया, क्लियर किया ना? तो अगर हमने उनको उनको टिकट दी तो सोच समझ के टिकट दी कि हाँ भाई वो सोच समझ के टिकट दी। लेकिन मैं फिर वापस आ रहा हूं उसी बात के ऊपर कि आप सारी चीजें हम पे कह रहे हैं, आज जब भ्रष्टाचारी इकट्ठे हुए उन पे सवाल नहीं होगा, हमने सवाल उन पे उठाया है कि ये सब भ्रष्टाचारी जो आज इकट्ठे हो गए, पर हम नहीं कहते थे, ये लोग खुद कहते थे। आज तो इनके मामले में हरीश खुराना, इंतजार कीजिए फिर, अरविंद केजरीवाल के मामले में भी इंतजार कीजिए फाइनल वर्डिक्ट का। कल की कोर्ट की वर्डिक्ट मैंने नहीं कही, ये मैंने नहीं कही ना, पहला नंबर ट्रायल है ना हरीश खुराना, अंडर ट्रायल है ना। अब कोर्ट क्या, तो मेरे ख्याल से आपने पढ़ा नहीं है, बहुत सारी बातें करी हैं, बहुत सारी बातें करी है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है कि नहीं है, प्राइमा फेसी है, 14 महीने से एक आदमी जेल में है किसी उस पे, 14 महीने कम नहीं होते। आप कह रहे कुछ हुआ ही नहीं, वेट कर लीजिए, बताइए ना। ये जो कल मैं से एक लाइन पढ़ रहा हूं कि प्राइमा फेसी किकबैक्स वर फ्रॉम थाउजेंड ऑफ वेल्थ जनरेशन यूज एंड कंसीडर प्रोसीजर ऑफ क्राइम्स, he is allegedly involved in the offense of the money laundering in 2 capacities. सवाल ये है कि कोर्ट किस तरह की टिप्पणियां, अगर इस चार्जशीट का हवाला मुझे देंगे हरीश खुराना आप, तो मैं पूछूंगी कि नवीन जिंदल भी चार्जशीटेड हैं? 2016 में चार्जशीट हुई उनके खिलाफ, 2022 में आपकी ईडी सीबीआई, 2022 में आप ही थे ना सत्ता में, 2022 में आप ही की ईडी सीबीआई उनके घर पर, फैक्ट्रीज पर छापा मार रही थी, चार्जशीट उनके खिलाफ भी दाखिल हुई, बंद हो गया केस, बंद हो गया। हाँ, यहाँ जवाब दीजिएगा, देखिए दर्शकों को पूरी बात बताइए आप, केस बंद हो गया क्या? देखिए कानून अपना काम करता है और हम कानून के हिसाब से जो हो रहा है वो होगा, लेकिन आप ये कहें कि हम आरोप न लगाएं, हम कोई बात ना करें, कैसे हो सकता है? सच्चाई जो है वो तो देश के सामने रखनी होगी। सच्चाई क्या है आज के डेट पे? लिकर स्कैम हुआ दिल्ली के अंदर, ठीक है, बात रखी हमने। आज कांग्रेस के दो बड़े नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेल पे बाहर है ना, है ना बेल पे बाहर, बिल्कुल बाहर है, करप्शन के चार्जेस के ऊपर ही है ना, तो आप देश के साथ बात रख रहे हैं, देश की जनता डिसाइड कर रही है। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव स्कैम हुआ कि नहीं हुआ महाराष्ट्र में जी?
महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक स्कैम हुआ कि नहीं महाराष्ट्र में, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला कौन करेगा? माननीय न्यायालय ही करेगा ना? जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। न्यायालय करेगा, न्यायालय करेगा ना, न्यायालय करेगा। तो अजीत पवार के खिलाफ केस बंद हो जाएगा और रोहित पवार के खिलाफ जांच चलती रहेगी। अजीत पवार के खिलाफ केस बंद नहीं हुआ, पहली बात आपको भी मालूम है। देखिए, देश की जनता के सामने सच्चाई रखिए, क्या अजीत पवार के सामने केस बंद हो गए क्या? और केस हमारे सामने शुरू हुए थे क्या? कांग्रेस की कॉमेंट उस वक्त जब केस चल रहे, केस फाइल हुआ था उस वक्त सरकार किसकी थी बताइए ना। इसलिए मेरा कहना है रीमा जी, वन साइड स्टोरी नहीं होती, टू साइड स्टोरी होती है। उसका एक सच जो है जनता के सामने रखिए। अजीत पवार के मामले में आप क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर देंगे, ये वन साइडेड कार्रवाई नहीं है। रोहित पवार पर बिल्कुल वही आरोप है, लेकिन ईडी सीबीआई की जांच चलती रहेगी। मुझे बता दीजिए, अजीत पवार पर कब लास्ट छापा पड़ा था? एनडीए आने के बाद छापा पड़ा क्या? चलिए, मैं एक, आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही, तो विपक्ष के लिए कार्रवाई करवा दे, जाए कोर्ट के अंदर, क्यों नहीं जाते? सबूत उनके पास है, जाए कोर्ट के अंदर, रखे, हमने भी तो रखे थे ना, हमने भी तो रखे थे ना, लाखों करोड़ के स्कैम्स के कांग्रेस में रखे थे, कार्रवाई हुई ना उनके ऊपर, फिर क्लीन चिट मिल गई हरीश खुराना। खैर, लेकिन मैं आगे बढ़ती हूँ।